नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ महक शर्मा। खबर है करनाल की, जहां आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन की ओर से करनाल के लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर धरना दिया गया, जिसमें उन्होंने सरकार से मांगी गई मांगे पूरी करने का आह्वान किया। आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्थ पर यूनियन के नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा कुशल अर्ध कुशल के आधार पर वेतमान बढ़ाना, रिटायरमेंट पर आंगनवाड़ी कर्मचारी को 3 लाख देना एवं आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं हेल्पर के सदस्य की मृत्यु होने पर परिजनों को मुआवजा देना आदि कुछ मांगे हैं, जो सरकार पूरा नहीं कर रही है, जिसके लिए कर्मचारियों को मजबूरन यहां पर धरना देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, वह संघर्ष करते ही रहेंगे और सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर 8 तारीख को होने वाले सम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाएगा एवं सरकार के प्रति विरोध जताया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आगामी विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर सरकार को कर्मचारियों के गुस्से को झेलना पड़ेगा और विधानसभा चुनाव में सरकार का कर्मचारी पुरजोर विरोध करेंगे। वहीं सरकार का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर संघर्ष का बिगुल बजाया जाएगा। हमारी जो पिछले साल की मांगें थी वो भी अब तक लागू नहीं करी, जो अब की मांगे हैं और पिछले साल की जो भी मांग है हमारी लागू करी जाए। और इस टाइम ये है, जितने दिनों से भी ये धरना प्रदर्शन चल रहा है ये सारा जायज है, ये कोई हम उनसे भीख नहीं मांग रहे, हमारी मांग है और जायज है वो पूरी की जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि खट्टर सरकार भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। कोर्ट ने जब भी ना कह दिया कि समान काम समान वेतन, ये कोर्ट की बातों को नहीं मानते। भी इन्होंने चलो हमें ठीक है, इन्होंने नहीं माना, फिर इन्होंने हमें कुशल अर्ध कुशल का दर्जा दे दिया। चलो आपने दिया ना, तो फिर जो बातें आप कहते हो उसको क्यों नहीं मानते, आप अपनी ही बातों को नहीं मानते। वैसे तो जब इन्होंने हमें कुशल अर्ध कुशल का दर्जा दिया था हम उससे खुश नहीं थे। फिर इन्होंने ये कहा था कि 6 महीने बाद जो तुम्हारी डिमांड्स बाकी की हैं उसे भी मैं पूरा करूंगा। उससे तो छोड़ो, इन्होंने जो कुशल अर्ध कुशल का दिया था, जो रैली हमारी 2018 में बैठे थे, जो कह के उठाया था हमें, 22 दिन से हम ताला बंद करके बैठी हुई थी, जो हमें ये कह के उठाया था कि कुशल अर्ध कुशल का आपको दर्जा दे दिया गया है, तो वो कहाँ है, हमें तो नहीं मिला। आज किस लिए इकट्ठे हुए हैं आप लोग? हाँ, फिर उसी लिए इकट्ठे हुए ना, जो बातें आप कहते हो, जो बातें आपने हमें 1500 और 750 रुपए हेल्पर को दिए थे वो सब क्यों नहीं दिए? छुट्टियों का आश्वासन दिया था, गर्मी सर्दी की छुट्टियों का आश्वासन दिया था, तो वो सारे कहाँ है? हमारा कोई कुशल अर्ध कुशल लागू नहीं किया गया। जो मोदी जी ने दिवाली गिफ्ट दिया था आपको भी ना, क्या कहते हैं, दिवाली पे गिफ्ट दिया जाएगा मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, तो वो कहाँ है गिफ्ट? क्यों मीडिया आप अभी ना, क्या कहते हैं, टीवी में लोगों को गुमराह करते हो? तो हम ये सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं, इनकी बातें झूठी होती हैं, ये अपनी बातों को कह के नहीं मानते। आगामी कदम क्या होगा आपका? आगामी वो हमारी बिजनेस मैन ने बता दी है, जैसे जो हमारा स्टेट का आएगा हम उसको करेंगे। हमारी सारी जो वर्कर है निराश है, हम भरी पड़ी हैं, क्योंकि बिना कहते कुछ है और हमारे से काम तो ये पूरा ले रहे हैं। कभी किसी डिपार्टमेंट का काम देते, कभी किसी काम का डिपार्टमेंट का काम दे देते हैं। जब साक्षरता का इन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया था, साक्षरता उस वक्त हमने साक्षर किए थे, जब बिना साक्षरता में 1 रुपया भी नहीं देते थे। हम क्या सारी जिंदगी हम फ्री करेंगे? क्या हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? हम भी तो दिल लगा करके 9 से 3 हम पूरी सेवाएं, जबकि ड्यूटी हमारी 9 से 3 है, लेकिन काम हम 24 घंटे करते हैं, जब भी फोन आते हैं हम वो काम करते हैं। तो हमें भी ना हमारा हक दिया जाए, हमारी जो मेरी बहनें हैं उनका हक दिया जाए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।